हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एमनी साधु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रैक्टिस में हमने शामिल किया है पेट्रोमाइजन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लैम्ब्रे बिलोंग्स टू द ग्रुप लैम्ब्रे, समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए है एग्नेथा, ऑप्शन बी ग्नेथोस्टोमेटा, ऑप्शन सी पिसेज, ऑप्शन डी टेट्रापोडा। तो जो लैम्ब्रे होता है, पेट्रोमाइजन होता है, ये संबंधित है एग्नेथा ग्रुप से, समूह से। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए एग्नेथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेट्रामाइजन लार्वा इज कॉल्ड, पेट्रामाइजन का लार्वा कहलाता है। ऑप्शन ए है टर्नेरिया, ऑप्शन बी है एमोसीट, ऑप्शन सी है क्रिनोइड, ऑप्शन डी नाप्लियस। तो पेट्रामाइजन का जो लार्वा होता है ये कहलाता है एमोसीट लार्वा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी एमोसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन इन लैम्ब्रे में बाह्य कंकाल होता है। ऑप्शन ए है बोनी, ऑप्शन बी कार्टिलेजिनस, ऑप्शन सी स्केली, ऑप्शन डी एब्सेंट। तो लैम्ब्रे में जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, ये एब्सेंट होता है। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैम्ब्रे पेयर्ड अपेंडेजेस और लैम्ब्रे में पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, जोड़ी उपांग होती हैं। ऑप्शन है टू पेयर, ऑप्शन बी है थ्री पेयर, ऑप्शन सी है एब्सेंट, ऑप्शन डी है थ्री पेयर। तो जो लैम्ब्रे होता है उनमें जो जोड़ी उपांग होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीथ इन अपर एंड लोअर साइड ऑफ माउथ लैम्ब्रे आर ग्रुप्ड इनटू। लैम्ब्रे के माउथ में ऊपर और नीचे की तरफ जो दांत होते हैं ये समूह में होते हैं। ऑप्शन ए है प्री ओरल एंड सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, ऑप्शन बी है सुप्रा ओरल एंड इन्फ्रा ओरल टूथ प्लेट, ऑप्शन सी है प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल टूथ प्लेट, ऑप्शन डी है सब ओरल एंड सुप्रा ओरल टूथ प्लेट्स में। तो लैम्ब्रे के मुंह में जो ऊपर की साइड में और नीचे की तरफ जो दांत एक समूह में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं सुप्रा ओरल एंड इन्फ्रा ओरल टूथ प्लेट्स पर। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी सुप्रा ओरल एंड इन्फ्रा ओरल टूथ प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल मेम्ब्रेन इन पेट्रामाइजन इज बिसेट। पेट्रामाइजन में मार्जिनल मेम्ब्रेन किसके नीचे होती हैं या किससे साथ लगी हुई होती हैं? ऑप्शन ए ओरल फिम्ब्री, ऑप्शन बी ओरल सिर्री, ऑप्शन सी है बकल फिम्ब्री, ऑप्शन डी है बकल सिरी। तो पेट्रामाइजन में जो मार्जिनल मेम्ब्रेन्स होती हैं ये लगी हुई होती हैं ओरल फिम्ब्री से। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए ओरल फिम्ब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीनियल आर्गन इज, पीनियल आर्गन होता है ऑप्शन ए प्रेजेंट इमीडिएटली बिहाइंड द आई, आई के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है। ऑप्शन बी है प्रेजेंट इमीडिएटली बिहाइंड द आईज, ऑप्शन दोहरा दिया गया है फ्रंट द आईज, यहाँ कर लीजिए फ्रंट द आईज। ऑप्शन सी है प्रेजेंट बिटवीन द आईज एंड नॉस्ट्रिल, आईज और नॉस्ट्रिल के बीच में होता है, ऑप्शन डी एब्सेंट होता है। तो जो पीनियल ऑर्गन होते हैं पेट्रामाइजन में ये होता है प्रेजेंट होता है आँख के नीचे की तरफ। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट इमीडिएटली बिहाइंड द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूरिनोजेनिटल पैपिला इज प्रेजेंट। यूरिनोजेनिटल पैपिला उपस्थित होता है या पाया जाता है? ऑप्शन ए नियर द एनस, ऑप्शन बी है नियर द कैडल्फिन, ऑप्शन सी प्रोट्रूड्स थ्रू द क्लोएका, ऑप्शन डी एब्सेंट। तो पेट्रामाइजन में जो यूरिनोजेनिटल पैपिला होता है ये पाया जाता है प्रोट्रूड थ्रू क्लोएका के पास। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर मीन्स क्लोएका से निकला हुआ रहता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर
सी प्रोट्रूड थ्रू द क्लोएका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूटिनस एपिडर्मिस। क्यूटिनस एपिडर्मिस की बाहरी लेयर होती है, ऑप्शन ए हैबे सिलेटेड क्यूटिकुलर बॉर्डर, ऑप्शन बी हैबे ग्लैंडुलर क्यूटिकुलर बॉर्डर, ऑप्शन सी हैबे स्क्वामोस क्यूटिकुलर बॉर्डर, ऑप्शन डी हैबे स्ट्रेटेड क्यूटिकुलर बॉर्डर। तो क्यूटिनस जो एपिडर्मिस होती है मेट्रामाइजन में, उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, बाहरी जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटेड क्यूटिकुलर बॉर्डर, इनमें पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हैबे स्ट्रेटेड क्यूटिकुलर बॉर्डर, जो क्यूटिनस एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर की, उस पर स्ट्रेटेड क्यूटिकुलर बॉर्डर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेट्रामाइजन डर्मिस इज कम्पोज ऑफ। पेट्रामाइजन में डर्मिस का बनी हुई होती है, ऑप्शन ए कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, ऑप्शन बी ओनली कोलेजन फाइबर, ऑप्शन सी ओनली इलास्टिन फाइबर, ऑप्शन डी है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की तरह। तो पेट्रामाइजन में जो डर्मिस होती है ये बनी हुई होती है कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। इस क्वेश्चन है मसल्स ऑफ ट्रंक एंड टेल इन पेट्रामाइजन आर अरेंज इन। पेट्रामाइजन में ट्रंक और टेल की जो मसल्स होती हैं वो अरेंज होती किस में, ऑप्शन ए डी शेप्ड मायोटोम्स, ऑप्शन बी ई शेप्ड मायोटोम्स, ऑप्शन सी एफ शेप्ड मायोटोम्स, ऑप्शन डी है सी शेप्ड मायोटोम्स। तो पेट्रामाइजन में जो टेल और ट्रंक में जो मसल्स होती हैं ये अरेंज होती हैं ई शेप्ड मायोटोम्स में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी ई शेप्ड मायोटोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकिंग एक्शन ऑफ द बक्कल फनल इज ऑपरेटेड बाय। पेट्रामाइजन में जो सकिंग एक्शन होता है बक्कल फनल के द्वारा ऑपरेट होता किसके द्वारा, मीन्स बक्कल फनल जो होता है जो एक सकिंग ऑर्गन की एक्शन करता है ये किसके द्वारा ऑपरेट करता है, ऑप्शन ए सर्कुलर मसल्स, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऑप्शन सी रेडियल मसल्स, ऑप्शन डी स्केलेटल मसल्स। तो बक्कल फनल जो होता है जो सकिंग एक्शन करता है पेट्रामाइजन में वो ऑपरेट होता है रेडियल मसल्स के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियल मसल्स। द कार्टिलेज सराउंडिंग द बक्कल फनल इन पेट्रामाइजन इज। पेट्रामाइजन में बक्कल फनल जो कार्टिलेज के द्वारा सराउंड होता है वो होता है ऑप्शन ए ब्रैंकियल बास्केट, ऑप्शन बी लिंगुअल कार्टिलेज, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी एनुलर कार्टिलेज। तो पेट्रामाइजन में जो बक्कल फनल कार्टिलेज के जरिए सराउंड होता है वो होता है एनुलर कार्टिलेज, मीन्स एनुलर कार्टिलेज जो होती है बक्कल फनल को सराउंड करती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी एनुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्यूब्स आर गिवन फ्रॉम बक्कल कैविटी इन पेट्रामाइजन। पेट्रामाइजन में बक्कल कैविटी से दो ट्यूब्स निकलती हैं जो होती हैं, ऑप्शन ए है आसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, ऑप्शन बी आसोफेगस एंड स्टाचेन ट्यूब, ऑप्शन सी है स्टाचेन ट्यूब एंड इंटेस्टाइन, और ऑप्शन डी है नेसोफेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन। तो पेट्रामाइजन की बकल कैविटी से जो दो ट्यूब्स निकलती हैं वो होती है आसोफेगस और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए आसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासेज ऑफ ट्यूब इन रेस्पिरेटरी ट्यूब इन पेट्रामाइजन इज प्रिवेंटेड बाय। पेट्रामाइजन में रेस्पिरेटरी ट्यूब जो पास होती है ये किसके द्वारा रोकी जाती है, ऑप्शन ए ओरल हुड, ऑप्शन बी है बेलम, ऑप्शन सी स्फिंक्चर मसल्स, ऑप्शन डी स्क्रोल वाल। पेट्रामाइजन में जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती है जो पास होती है वो रोकी जाती है बेलम के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी बेलम, मीन्स प्रिवेंट होती है बेलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंटीकोएगुलेंट इन पेट्रामाइजन इज सिक्रेटेड बाय, पेट्रामाइजन में एंटीकोएगुलेंट का श्रावण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है म्यूकस ग्लैंड, ऑप्शन बी है ग्लोबेट गोब्लेट ग्लैंड सेल्स, ऑप्शन सी है स्लेबरी ग्लैंड, ऑप्शन डी है जाइमो जेन सेल। तो पेट्रामाइजन में जो एंटीकोएगुलेंट्स का जो सिक्रेशन होता है, जो रिलीज होती है, वो स्लेबरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्लेबरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेट्रामाइजन वाटर ऑफ फायरिंग्स इज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द बक्कल कैविटी बाई, मीन्स पेट्रामाइजन में जो फायरिंग्स से जो वाटर होता है बक्कल कैविटी में इंटर होता है, उसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। ऑप्शन है किससे रोका जाता है? ऑप्शन है बेलम, ऑप्शन बी इंडोस्टाइल, ऑप्शन सी टेफ्लोसोल, ऑप्शन डी स्पायरल वाल्व। तो पेट्रामाइजन में जो फायरिंग्स की वाटर होती है जब ये बकल कैविटी में इंटर करती है तो ये रोकी जाती है बेलम के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर प्रिवेंट की जाती है बेलम के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए बेलम। जो बेलम होता है ये जो फायरिंग्स की वाटर होती है जब ये बकल कैविटी में इंटर करती है उसको प्रिवेंट करता है, मीन्स रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडीज इन, मीन्स जो पेट्रामाइजन में जो ब्लड होता है विभिन्न पार्ट से किसमें होता पहुंचता है? ऑप्शन ए है एओर्टा, ऑप्शन बी साइनस वेनोसस, ऑप्शन सी आरेकिल, ऑप्शन डी वेंट्रिकल। तो पेट्रामाइजन की बॉडी के जो विभिन्न पार्ट में जो ब्लड जाता है वो जाता है साइनस वेनोसस से। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी साइनस वेनोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेट्रामाइजन वेंट्रल एओर्टा गिव ऑफ सेवन पेयर ऑफ अपरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज टू, पेट्रामाइजन में वेंट्रल एओर्टा जो होता है सेवन पेयर में जो अपरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज को किसमें गिव ऑफ करता है, मीन्स छोड़ता है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी लीवर। ये छोड़ता है जो पेट्रामाइजन में जो वेंट्रल एओर्टा से जो सेवन पेयर में जो अपरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं ए छोड़ती है गिल्स में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी इन लैम्प्रेयर, लैम्प्रे की किडनी होती है, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर, ऑप्शन बी प्रोनेफ्रिक, ऑप्शन सी मेजोनेफ्रिक, ऑप्शन डी मेटानेफ्रिक। तो लैम्प्रे की जो किडनी होती है ये होती है मेजोनेफ्रिक। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मेजोनेफ्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेट्रामाइजन ऑप्टिक लोब आर प्रेजेंट इन, पेट्रामाइजन में ऑप्टिक लोब पाई जाती हैं, ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी है मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हैंड ब्रेन, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोगाटा। तो पेट्रामाइजन में जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं ए पाई जाती हैं मिड ब्रेन में। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्स ऑफ लैम्प्रेयर, लैम्प्रे के अंडे होते हैं, ऑप्शन ए एलेसाइथल, ऑप्शन बी मेजोलेसाइथल, ऑप्शन सी टीलोलेसाइथल, ऑप्शन डी ओलिगोलेसाइथल। तो लैम्प्रे के जो अंडे होते हैं ए होते हैं टीलोलेसाइथल। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी टीलोलेसाइथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट बिटवीन सिफेलोकार्डेट एंड वर्टिब्रेट्स, मीन्स सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट का इंटरमीडिएट होता है किसकी कौन? ऑप्शन है ऑस्ट्राइकोडर्म, ऑप्शन बी है हम कह सकते हैं कि सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट्स के बीच की कनेक्टिंग जो होती है वो कौन होती है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्राइकोडर्म, ऑप्शन बी है प्लेकोडर्म, ऑप्शन सी है ब्रैंकियोस्टोमा, ऑप्शन डी है एमोसिट लार्वा। तो जो सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट्स के बीच की जो इंटरमीडिएट संयोजक कड़ी होती है या इंटरमीडिएट जो होती है वो होती है एमोसिट लार्वा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी एमोसिट लार्वा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।